हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है महिंद्रा बुलेरो, 2013 का मॉडल है और काफ़ी दूर आए हैं इसको हम देखने के लिए। गाड़ी देखेंगे, चेक करेंगे, गाड़ी की कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में ये गाड़ी हम लेने आए हैं अपने एक फ्रेंड के लिए, शायद बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। जल्दी आपको बताऊँगा कौन है जब गाड़ी फाइनल हो जाएगी तब। पहले देखते हैं इस गाड़ी को, कैसी इसकी कंडीशन है और हमारे क्राइटेरिया को मैच करती है, हमारे बजट में बैठती है या नहीं बैठती है। तो चलिए, सबसे पहले गाड़ी का लुक आपने देख लिया, अब देखेंगे इस गाड़ी के अंदर चल के अंदर की कंडीशन क्या है। बाहर से तो गाड़ी मुझे ठीक ठाक दिख रही है, एक नज़र में लग रहा है कि हाँ गाड़ी ओरिजिनल होगी, लेकिन हाँ बाहर से जो कंडीशन दिख रही है, नज़दीक से एक बार देखेंगे अपने फैक्ट्स चेक करके कि वाकई में ओरिजिनल है। या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि साहब बिल्कुल डिट्टो बना दी जाती हैं, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीज़ें जिन चीज़ों से हम टेस्ट करते हैं गाड़ी की कंडीशन, क्या कंडीशन है उसकी, चली हुई कितनी है, ओरिजिनल है या नहीं है, गाड़ी के मीटर में क्या रीडिंग है, ये इसके ऊपर हम डिपेंड रह नहीं सकते। क्योंकि आजकल इतना बुरा हाल हो चुका है कि बिल्कुल भरोसा नहीं है उसके ऊपर। इंटीरियर की कंडीशन ये भी डिपेंड करती है, सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे फैक्ट्स, ये निशान, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं जिससे हम एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि हाँ गाड़ी चली कैसे है और एक्चुअल में कितनी चल गई होगी। ये गाड़ी की कंडीशन, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कंडीशन देख के इंजन की आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि हाँ साहब ये गाड़ी इतनी चली होगी, भले मीटर में कितना भी शो कर रहा हो। ये रस्टिंग का पॉइंट ये है, ठीक है रस्ट हो रहा है, लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी बताऊँगा किस वजह से। लेवल लगा हुआ है, ओरिजिनल लगा हुआ है अभी भी। यहाँ पर लेयर्स कितनी दिख रही हैं पेंट की, सिंपल ओरिजिनल पेंट की लेयर है, इसके अलावा कोई लेयर दिख नहीं रही है। साइड का पेंट और ये टायर की कंडीशन कैसी है, टायर के कंडीशन भी ठीक ठाक है, अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 15-20 हज़ार चलेंगे, अभी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारी डील हो जाती है तो। ये भी टायर ठीक है, सेम ही कंडीशन में है सारे टायर, ऐसा नहीं है कि देखिए फ्रंट वाला टायर भी ठीक है। एक बार इधर का टायर देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये कंडीशन सेम कंडीशन है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत रिम वगैरह में रस्टिंग आ रही है, रिम की रस्टिंग कोई मायने नहीं रखती है गाड़ी में। देखिए ये CRD गाड़ी है, एक DI गाड़ी आती थी पहले, लेकिन ये CRD है, यानी कि इसमें कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है। ये देखिए ये टायर सेम नंबर के टायर लगे हुए हैं और बिल्कुल सेम कंडीशन में, रिम में थोड़ी सी रस्टिंग है, इसका कोई इशू नहीं है, रिम की रस्टिंग मायने नहीं रखती है। और नीचे से गाड़ी साफ़ सुथरी दिख रही है, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए मेरे देखने में तो गाड़ी मुझे ये ओरिजिनल दिख रही है, एक बार इसको चला के भी देखा है हमने, चला के टेस्ट ड्राइव लिया हमने, टेस्ट ड्राइव भी ठीक ठाक था, चलने में कोई इशू नहीं था, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा नहीं, स्टार्टिंग भी ठीक ठाक है। एक बार इंजन खोल के भी आपको दिखाता हूँ कि इंजन की कंडीशन है क्या। साफ़ सुथरी कंडीशन है गाड़ी की, यानी कि इंजन साफ़ है। इंजन साफ़ से मतलब, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, पिछले वीडियो में रिपीट किया था, साफ़ से मतलब मिट्टी लगा हुआ गंदा नहीं, साफ़ से मतलब है साफ़ काम। इंजन के अंदर कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, इंजन को उतारा तो नहीं गया, कुछ चीज़ों को चेंज तो नहीं किया गया, चेंज किया तो कौन सी क्वालिटी की लगी हुई हैं, काम हुआ तो कहाँ काम हुआ, वो डिपेंड करेगा इस काम होने के तरीके पे। वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं चेक करूँगा, कहीं गाड़ी में बैक कंप्रेशर तो नहीं है। बैक कंप्रेशर के लिए एक बार स्टार्ट करके भी देखेंगे, पहले इसका ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी को हमने टेस्ट ड्राइव भी ली है, चला के भी आए हैं अभी। सर्विस कितने दिन पहले हुई इसके पास जी? दो एक महीने ना। उसके बाद चली कितनी हुई? अच्छा नहीं, मतलब चली नहीं, उसके बाद खड़ी रही इसका। चली तो है, थोड़ी बहुत तो चली है, 15-16 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगा मुझे, डाउट क्या लगा कि इंजन ऑयल की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही न्यू है, बिल्कुल उसके अंदर कालापन नहीं दिखाता, न्यू दिखा, ऐसा लग रहा है कि अब भी सर्विस की हो। ये गियर लीवर में थोड़ी सी प्ले लग रही है मुझे, लेकिन वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, सिंपल एक गियर लीवर किट लगेगी, ठीक हो जाएगा। स्टार्ट करके भी देख लेते हैं गाड़ी को कि स्टार्ट करने के बाद नॉइस वगैरह आपको एक बार सुनाते हैं, आपको भी इससे अंदाज़ा होगा कि क्या कंडीशन है गाड़ी की। तो स्टार्ट हो गई है गाड़ी, ठीक ठाक है आवाज़, अंदर साउंड कितनी है एक बार बाहर चलते हैं, बाहर से भी दिखाता हूँ आपको स्टार्ट होने के बाद साउंड कितनी है। स्टार्ट होने के बाद साउंड वगैरह ठीक ठाक है, डिपस्टिक निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ पर बैक कंप्रेशर अभी है या फिर नहीं है। बैक कंप्रेशर होगा तो वहाँ से शो होना लग जाएगा, इस जगह से जहाँ से हम लोग डिपस्टिक लगाते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी नहीं दिखता तो फिर ये वाला कैप हमको हटा के एक बार देखना होगा। इसको हटा के रखने में देखिए थोड़ा बहुत तो आता है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इसके ऊपर एक प्लेट रखी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इतनी इसकी गाड़ी
बैक कंप्रेसर है, लेकिन जितनी गाड़ी चली हुई है और मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ओरिजिनल ही बता रही है, ओरिजिनल चली हुई, उतने में इस गाड़ी के अंदर बैक कंप्रेसर कुछ भी नहीं आता। 4-4 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, कुछ नहीं होता इसमें। बोलेरो का इंजन वाकई बहुत बेनिफिट देता है और बहुत कामयाब इंजन है। मतलब मुझे जेन्युइनली इतना पसंद है कि इंजन ज़बरदस्त इंजन है उसका, परफेक्ट है, सारी चीज़ें ठीक हैं। बस थोड़ा सा ये वायरिंग के किट इन्होंने अलग से लगा रखी है, वो लाइट वगैरह के लिए लगा देते हैं, बाकी ठीक ठाक है। जैसे कि फार्मर की गाड़ी है, गांव में खड़ी है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है कि साहब थोड़ा बहुत वायर वायर इधर दिख सकता है, लेकिन हाँ ओरिजिनल है गाड़ी। पेंट वगैरह देख रहा हूँ मैं, पेंट ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, लेकिन हाँ बात होती है कि डील होने पर बजट में भी आनी चाहिए। ये देखिए ये दिख रहे हैं मार्क्स आपको, ये मार्क्स ओरिजिनल के मार्क्स हैं, अगर डैमेज वगैरह होता तो वो वैसे मार्क वहाँ पर बनते नहीं। कंडीशन ठीक ठाक है गाड़ी की, मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा क्राइटेरिया बिल्कुल फिट हो रहा है हमारे क्राइटेरिया में। बस बजट के ऊपर बात आती है कि बजट इनका जो डिमांड है थोड़ी ज़्यादा है, और एक शीशे में क्रैक है यहाँ पे, ये देखिए ये क्रैक बता रहे हैं कि जब एजेंसी से लाए थे तभी क्रैक हो गई थी। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है ये, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है और इसकी डिमांड इन्होंने रखी है 4 लाख, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। पता नहीं क्या हुआ, COVID-19 जब से आया, COVID-19 के बाद मैं देख रहा हूँ कि साहब ये हर गाड़ी के रेट बढ़ गए हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं, या लोगों को ऐसा कुछ लग गया है कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। 4 लाख रुपए डिमांड मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, क्योंकि जिन फ्रेंड को दिलवाऊंगा गाड़ी तो उनको भी ऐसा ना लगे कि मुझे गाड़ी महंगी पड़ी। बहरहाल अभी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया नहीं, रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छी बात है, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, और नहीं अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर हमको तो गाड़ी लेनी है, तो हम दूसरी गाड़ी की तरफ जाएंगे, गाड़ी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ आपको भी इससे फायदा मिलेगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर